गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारिक रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 8th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर हमारे रिवीजन स्टार्ट हो चुका था। रिवीजन के अंदर हमने हिंदी फर्स्ट का पहला जो लेसन है जिसका नाम ध्वनि था, उसका रिवीजन हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके क्वेश्चन आंसर इत्यादि हमारे पूरे हो चुके हैं। आज हम इसी बुक का जो सेकेंड लेसन है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, लाख की चूड़ियाँ, उनका हम रिवीजन कर लेते हैं और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेटा मैं इनका सारांश आपको बता देती हूँ, लेसन में क्या बताया गया है, और फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ओके बेटा, तो स्टार्ट करें। बेटा ये जो लेसन है ये लेसन है एक लेखक है, उस लेखक से संबंधित है कि जो कि वह अपने जब गाँव जाता है तो गांव के अंदर जो एक व्यक्ति होता है जो कि क्या कार्य करता है, लाख की चूड़ियाँ बनाने का कार्य किया करता है। तो समय के रहते हुए और शहरीकरण के कारण धीरे धीरे जो हमारे जो हम खुद के व्यवसाय हैं उन व्यवसाय किस तरह से कम होते जा रहे हैं उसके बारे में इसमें बताया गया। यानी कि मशीन युग आ चुका है अब, और मशीन युग के कारण से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास में हाथों का हुनर है, वह हाथों का हुनर धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। उसी संदर्भ के अंदर अपना जो ये लेसन है उसी संदर्भ में है, जिसके अंदर एक बदलू नाम का एक व्यक्ति है जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाने का कार्य किया करता है। और जब भी लेखक अपने गांव जाता है तो वह इस व्यक्ति से मिलता है, और वह जो व्यक्ति होता है बदलू, इसको जब छोटा बच्चा रहता है तो इसको रंग बिरंगी वह क्या बना के देता है, गोलियाँ बना के देता है, जो कि क्या है, लेखक को बहुत अधिक प्रिय है। लेखक को क्या बेटा, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको रंग बिरंगी जो गोलियाँ अगर दी जाएगी इस तरह की तो सभी को पसंद आएगी। तो बदलू जो होता है वह इसको लाख की गोलियाँ बना के देता है, जिससे कि लेखक उन गोलियों से खेलता है और उसके बहुत ही करीब रहता है। तो वैसे तो एक चीज़ इसमें और बताई गई थी कि जो है, वैसे तो मामा के गाँव के होने के कारण उसको क्या कहना चाहिए था, बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था क्योंकि वह उसके ननियाल का था, लेकिन ऐसा नहीं है। वह उसको क्या कहता था, वह उसको बदलू मामा ने कहकर क्या कहता था, बदलू काका कहता था। क्यों कहता था, क्योंकि जो गांव के और बच्चे उसको क्या कहते थे, काका कहते थे, काका कह के संबोधित करते थे, जिसके कारण से जो लेखक है वह लेखक भी उन बच्चों के कारण वह उसको बदलू काका कहने लगता है। उसके बाद में हमने उसके बदलू के कार्य के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से वो मछुआ पर बैठकर क्या बनाता था, लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था, और किस तरह से जो लाख की चूड़ी का जब जोड़ा जो है वह कंप्लीट हो जाता था तो किस तरह से उसको बड़े ही प्यार से उसको देखा करता था। और इतना, और जो बदलू था, बदलू का क्या था, ये प्रत्यक व्यवसाय था। प्रत्यक व्यवसाय किसे कहते हैं, प्रत्यक व्यवसाय का मतलब होता है जो कि उसके जो पिताजी हैं, उसके दादाजी हैं, वह समस्त व्यक्ति यही कार्य करते हुए आए हैं, जिसके कारण से जो लेखक है, लेखक का जो काका है जिसका नाम बदलू है, वह इसी व्यवसाय को उसने अपनाया है। और उसकी जो चूड़ियां हैं, उस चूड़ियों की पूरे गांव के अंदर बहुत अधिक रौनक है, और लोग जो है वह उस चूड़ियों को बहुत अधिक पसंद करते हैं। और एक चीज़ इसमें और बताई गई थी कि बदलू कभी भी पैसे के अंदर चूड़ियाँ नहीं दिया करता था। फिर आप बोलेंगे मैडम पैसे में नहीं दिया करता था तो कैसे ही दिया करता था, तो वह वस्तु विनियम का तरीका अपनाता था। बेटा वस्तु विनियम का तरीके से अभिप्राय यहाँ पर है कि वह काम के बदले के अंदर, यानी कि चूड़ियों के बदले के अंदर पैसा ना लेकर कोई भी वस्तु लिया करता था। जैसे कोई अनाज दे के चल जाता था, कोई चावल दे के चला जाता था, कोई आटा इत्यादि, यानी कि पैसा ना लेकर। पहले क्या होता था, पहले प्राचीन काल के अंदर क्या होता था, पैसा बहुत कम था लोगों के पास में, तो ये जो वस्तु विनियम का तरीका था ना यही अपनाया जाता था। यानी कि जिस व्यक्ति के पास में जो वस्तु होती थी वह वस्तु वह दूसरे व्यक्ति को देकर जो उस व्यक्ति से वह वस्तु ले लेता था, जिस व्यक्ति के पास में वह अधिक वस्तु होती थी। तो इसी तरह से जो बदलू था, बदलू ने भी पैसों के अंदर चूड़ियाँ ना बेचकर वस्तु विनियम का तरीका उसने अपना रखा था। हाँ, लेकिन जब शादी ब्याह होती थी तो शादी ब्याह के अंदर वह क्या हो जाता था,
अपनी मनमर्जी से सामने वाले से पैसा वसूल करता था। उसके लिए वह क्या करता था, क्योंकि एक ही अवसर ऐसा होता था जिस अवसर पर उसकी सारी इच्छाएं, सारी मुरादें क्या होती थी, पूरी होती थी। और इसके लिए उस समय उसका स्वभाव क्या हो जाता था, बिल्कुल चेंज हो जाता था। ऐसे तो चाहे वो फ्री में उसके साथ, उसके पास में आके आप चूड़ियों का जोड़ा लेकर चल जाओ, लेकिन जब शादी ब्याह होते थे तो ही उस कीमत जो थी, उस चूड़े की जो कीमत थी, वह बहुत अधिक बढ़ जाती थी। अब उसके लिए वह क्या करता था कि वह उसके लिए ढेरों सारे अनार लेता था, और अपने लिए पगड़ी लेता था, अपनी पत्नी जो थी उसके लिए कपड़े लेता था इत्यादि, और पैसे अलग से लेता था। यानी कि बहुत सारे चीज़ें लेकर वह उस जोड़े को दिया करता था। अब उसके बाद में इसमें बताया गया है धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे समय के हिसाब से परिवर्तित होने लगा। और एक समय जो लेखक है जब बड़ा हो गया तो वह दोबारा जब अपने गांव में गया तो उसने देखा गांव के अंदर जो है वह काफ़ी बदलाव आ चुका है। उसने देखा कि प्रत्येक स्त्रियां जो है, गांव की जो स्त्रियां हैं, वह उन्होंने अधिकतर कांच की चूड़ियां पहन रखी है, जबकि जो बदलू था उस बदलू को कांच की चूड़ियों से क्या थी, बड़ी नफरत थी। अपन ने एक जगह इसके बारे में पढ़ा भी था कि जब भी वह किसी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियां देख लेता था तो उसको दो चार बातें सुना दिया करता था। लेकिन लेखक जब उसको ताजुब होता है, जब वो गांव जाता है तो प्रत्येक स्त्री के हाथ में जो है कांच की चूड़ियां देखता है। बहुत कम स्त्रियाँ, इसकी दुखी स्त्रियाँ ऐसी होती हैं जिनके हाथ में लाख की चूड़ियाँ रहती है, तो उसको बड़ा ही ताजुब होता है। और जब वह उसको फ़ौरन से जब वो स्त्रियों को जब कांच की चूड़ियों में देखता है तो उसको किसकी याद आ जाती है, बदलू की याद आ जाती है। और वह लेखक जो है वह बदलू से मिलने के लिए कहाँ जाता है, उसके घर जाता है। और जो बदलू होता है वह उसकी पहले की भांति, वह पहले तो उसको पहचानता नहीं है, लेकिन जब लेखक अपना उसको परिचय देता है तो वह फ़ौरन से उसको पहचान देता है। और बाल्यकाल में जिस नाम से उसको पुकारता है वह उसी नाम से उसको पुकारता है। जिस नाम से पुकारता था वह उसको लल्ला के नाम से पुकारता है, लल्ला के नाम से वह पुकारता है। और फिर उन दोनों के बीच में क्या होती है, वार्तालाप होती है। तो उसके पास में वह अपनी बेटी को बुलाता है और बेटी से कहता है कि ले वह उस बच्चे को यानी लल्ला को कुछ आम खाने को दे, तो वह उसको आम खाने के लिए देती है। इस तरह से दोनों के बीच में बहुत देर तक वार्तालाप होती रहती है। अब जो बदलू होता है, वह बदलू जो होता है उसकी जो स्थिति होती है वह बड़ी ही दयनीय होती है, क्योंकि उसका काम धंधा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मशीन युग आ चुका है और मशीन युग के कारण जो गांव की जो स्त्रियां हैं उन स्त्रियों ने लाख की चूड़ियां भी पहनना क्या कर दिया है, एक तरीके से समाप्त कर दिया है। और मशीनीकरण के कारण जो अधिकतर स्त्रियों जो पहन रही है वह क्या पहन रही है, अब कांच की चूड़ियां ही पहन रही है। तो ये सब बातें उसको जो लेखक जब उसके बदलू से जब बातचीत करता है तो उसको महसूस होता है कि किस तरह से मशीनीकरण ने इन लोगों को, इन जो ये मजदूर इत्यादि है, उनके हाथ काट दिए हैं। तो उसके बाद में इसके अंदर बताया गया था कि उसे बोलता भी है कि जो काच होता है, लेखक बोलता भी है कि काच तो क्या है, बड़ा ही खतरनाक होता है, अगर किसी के चुभ जाए या घुस जाए तो बहुत अधिक पीड़ा पैदा कर सकता है। लेकिन अब जो शहरीकरण के कारण और मशीनीकरण के कारण अब धीरे धीरे लोगों ने क्या कर दिया है, इन व्यवसाय को, लाख का व्यवसाय यानी कि हाथ से बनी चीज़ों का जो चीज़ें हैं उनको लेना, उन्होंने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। तो इस तरह से जो स्थिति होती है बदलू की वह बड़ी ही दयनीय स्थिति होती है। और उसको क्या हो जाता है, उसकी उम्र के हिसाब से उसको क्या होती है, बहुत सी बीमारियां भी लग जाती है, जिसके अंदर बहुत सारी बीमारियों से मतलब ये नहीं कि बेटा उसको बड़ी बड़ी कोई बीमारी हो गई, छोटी मोटी जैसे जुकाम है, खांसी है, जो कि अधिकतर बुज़ुर्ग लोगों को रहती है। और इस तरह से जब उनके बीच में वार्तालाप होती है तो जब वो लास्ट में वार्तालाप के लास्ट में जब वो देखता है कि जो उसकी जो बेटी होती है उस बेटी ने लाख की चूड़ियाँ पहन रखी है, तो जब इस लाख की चूड़ियों के बारे में वह उससे पूछता है तो वह क्या उत्तर देती है कि ये जो जोड़ा था वह जोड़ा उसने किसके लिए बनाया था, ज़मींदार की बेटी के लिए बनाया था, लेकिन ज़मींदार ने इसका सही मूल्य
देने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण से उसने अपना स्वाभिमान रखते हुए उस जोड़े को क्या किया था, जमींदार को नहीं दिया था, और वही जोड़ा जो चूड़ी का जो जोड़ा था उसकी बेटी रज्जू ने पहन रखा था। तो उसको लेखक को बड़ा ताज्जुब होता है कि आज के समय में भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने स्वाभिमान के आगे नहीं झुकते हैं, यानी कि वो चाहता तो जितना पैसा, वो कुछ पैसा जितना भी उसको दे रहा था जमींदार, उस पैसों को लेकर वह उस चूड़िया के जोड़े को, जो चूड़ियाँ थी उन चूड़ियों को बेच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसकी सही कीमत नहीं मिली, जिसके कारण से उसने अपना जो चूड़ियों का जोड़ा था वो अपनी बेटी को देना स्वीकार किया, लेकिन उसको बेचना स्वीकार नहीं किया। तो इस तरह से उसकी जो बदलू है, इस बदलू के बारे में, इसकी अच्छाइयों के बारे में और इसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है कि वह बड़ा ही दृढ़ संकल्पी, आत्मविश्वासी और स्वाभिमानी व्यक्ति था। तो बेटा, किस तरह से धीरे धीरे हमारे जो मशीनी युग है, उस मशीनी युग ने हमारे आम व्यक्ति के जो रोज़गार है, उस रोज़गार को छीन लिया है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर, इस कहानी के माध्यम से हमको यहाँ पे देखने को मिली है, जो कि बदलू नाम का व्यक्ति के से संबंधित अपन ने इन सब चीज़ों को समझा है। तो बेटा, आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। अब इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन आंसर के अंदर क्या बताया गया है आपके, वैसे क्वेश्चन के सारे आंसर बेटा इस बुक के अंदर ऑलरेडी दे रखे हैं, कई क्वेश्चन के आंसर, तो कुछ क्वेश्चन के आंसर जो नहीं दे रखे हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। पहला है, लाख की चूड़िया कहानी के लेखक को मामा के गांव जाने के चाव का क्या कारण था, क्या कारण था उसका, बदलू से लाख की चूड़िया का मिलना, लाख की चूड़िया लेना चाहता था ना उनसे। दूसरा है, लेखक बदलू को क्या कहता था, बदलू काका। तीसरा, बदलू चूड़िया बेचता था किसके बदले में, अनाज के बदले में। लंबे समय तक लेखक गांव क्यों नहीं गया था, क्योंकि इसके पिता का क्या हो गया था, दूसरी जगह तबादला यानी कि ट्रांसफ़र हो गया था। इस मशीन युग ने कितने के हाथ डाल लिए, इस बात से, इस वाक्य से हमें क्या आशय है कि मशीन ने बहुत सारे लोगों के हाथों से क्या छीन लिया है, काम छीन लिया है। लास्ट क्वेश्चन है, अति लघुरात्मक छोटे छोटे हैं, लेखक को बदलू सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था, क्योंकि वह उसको क्या देता था, कांच की, सॉरी लाख की छोटी छोटी गोलियां बना के देता था, जो कि बड़ी आकर्षित और सुंदर होती थी, जिसके कारण से कि उसको वह अच्छा लगता था। बदलू अपना काम कहाँ बैठकर करता था, पेड़ के नीचे मछिया पर बैठकर करता था ना। लाख की चूड़ियाँ बनाने में मुंगेरिया किस काम में आती है, सही आकार देने के काम आती हैं। चूड़ियों का पूरा जोड़ा हो जाने पर बदलू उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ देर क्यों देखा करता था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था जैसे किसी नई नवेली दुल्हन ने उस जो लाख का जो चूड़ा है उसको धारण कर रखा हो, यानी कि बहुत ही सुंदर और आकर्षित लगता था, जिसके कारण। बदलू पेशे से क्या था, मनिहार था। बदलू की चूड़ी की खपत क्यों अधिक क्यों थी, क्योंकि वह चूड़ियाँ बहुत अच्छी चूड़ियाँ बनाता था, बहुत क्वालिटी यानी कि अच्छी और आकर्षित चूड़ियाँ बनाता था, जिसके कारण उसकी खपत बहुत अधिक थी। वस्तु विनियम का तरीका क्या है, वस्तु के बदले में पैसा न लेकर उसके बदले में कोई भी अन्य वस्तु लेना। विवाह के असर पर बदलू को सुहाग के जोड़े के लिए क्या क्या मिलता था, उसके लिए पगड़ी मिलती थी, अपनी पत्नी के लिए कपड़े मिलते थे, पैसे मिलते थे, है ना, अनाज मिलता था ढेरों, ये सारे लिख देंगे आप। बदलू को सबसे अधिक चिड़ किससे थी, कांच की चूड़ियों से थी ना। शहरी स्त्रियों द्वारा कांच की चूड़ियाँ पहनने का कारण बदलू क्या बताता है, क्या बताता था कि जो शहरी जो स्त्रियाँ होती हैं उनकी जो कलाइयाँ क्या होती है, नाजुक होती है, और जो लाख होता है वह वजन में क्या है, भारी होता है। अगर वह लाख की चूड़ियाँ पहनेगी तो उनकी कलाइयाँ में क्या आ जाएगी, मोच आ जाएगी, जिसके कारण कि वो चूड़ियाँ नहीं पहनती है, कौन सी, लाख की। बदलू ने जमींदार साहब को सुहाग का जोड़ा क्यों नहीं दिया था, क्योंकि वह उसकी सही कीमत नहीं दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघुरात्मक क्वेश्चन है, बदलू द्वारा लाख की चूड़ियाँ बनाने की क्रिया का वर्णन कर देंगे कि किस तरह से वो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। ये मैंने पहले भी आपको पेज नंबर उस पर लगा रखा है कि किस तरह से वो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था, तो वो पूरी डिटेल आपको इसमें लिखनी है कि किस किस तरह से मछिया पे बैठता था, फिर वो लाख को पिघलाता था, फिर उनको आकार देता था, फिर उसको उस पर चूड़िया जो जिस पे आकार दिया जाता उस पर लगाता था, वो पूरा आपको इसमें वर्णन करना है। बरसों बाद गांव जाने पर लेखक को बदलू की याद कैसे आई, कि जब उसकी जो बहन थी वह आंगन में गिर के और उसके हाथ में कांच की चूड़ी
चली गई थी, घुस गई थी, और जिसके कारण से उसको खून निकल रहा था, तब उसको अपने जो बदलू है उस बदलू की याद आई। लेखक को बदलू को देखकर लगा कि उसके मन में कोई बड़ी व्यथा छिपी हुई है। यह व्यथा क्या हो सकती है? यह व्यथा ये हो सकती है ना बेटा कि मशीनीकरण के कारण उसका काम धंधा छिन गया है। अगर मशीनें नहीं होती तो क्या नहीं होता, उसका काम धंधा नहीं छिनता, तो बहुत अधिक उसके मन के अंदर ये व्यथा छिपी हुई है। आगे देखिए, और भी आप विस्तारित रूप से अपने अपनी भाषा में लिख देंगे। आगे लास्ट क्वेश्चन है, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, लेखक के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आप ये भी अपने मर्जी से करेंगे कि किस तरह से बदलू ने इतना कुछ हुआ, यानी जमींदार की जो बेटी थी उसकी शादी हुई और उसके जमींदार ने जो सही कीमत नहीं दी, तो भी वह क्या नहीं दिया था, चूड़ा जमींदार की बेटी के लिए नहीं दिया, और उस चूड़े को उसने नहीं बेचा और फिर उसको अपनी बेटी को दे दिया, यानी कि उसने अपना स्वाभिमान रखा, अपना आत्मविश्वास रखा और उसने हार मानकर भी हार नहीं मानी कि वैसे तो उसके काम धंधा सब छीन चुका था, लोगों ने उसका फ़ायदा उठाना चाहा लेकिन उसने फ़ायदा उठाने नहीं दिया। ये विस्तारित रूप में आप अच्छी तरह से लिख देंगे। लास्ट क्वेश्चन है, आपके घर में हाथ से बनी कौन कौन सी चीज़ें काम आती हैं, इनके स्थान पर मशीनी से बनी चीज़ें काम लाने पर क्या होगा? ये आपको अपनी हिसाब से करना है कि घर में, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होगी जो हाथ से बनी हुई होगी, अगर हम उसको मशीनों से बनी चीज़ों को उसको प्रयोग करेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसमें क्या अंतर है, वो अंतर आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो लेसन इज़ कम्प्लीट, आपके दोनों चैप्टर कम्प्लीट हो चुके हैं। तो हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड दोनों का जो रिवीजन है वह आज आपके कम्प्लीट हो चुका है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, तो आप मेरे से स्कूल में आके कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।